फाइनेंशियल मैथ्स में आज जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मैथ्स में आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, एक चीज। दूसरा, कैश प्राइस, ये लिख लें आप अपने पास, इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर मैंने ये तीन बातें लिखी हैं, एक लोन, साथ में लिखा है लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, एक चीज लिखी है कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए जो है वो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझेंगे। आप लोग काइंडली इसको अपने पास लिख जरूर लें, अपने पास इसको कॉपी जरूर कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दो बातें मैंने आज आप लोगों को पढ़ानी है, एक तो लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स और दूसरी चीज ये है कि कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। सही है। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर ईयर लिखता हूँ, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने ईयर लिखे हैं ना, ईयर्स लिखे हैं, इसमें 0 का क्या मतलब होता है? अगर कभी किसी सवाल में लिखा हुआ हो ईयर नंबर 0, अगर कभी किसी सवाल में लिखा हुआ हो ईयर नंबर 0 तो उसका मतलब होता है टुडे, आज का दिन। ठीक है, अगर किसी सवाल में लिखा हुआ हो यह नंबर 0 तो उसका मतलब होता है आज का दिन, आज का दिन, टुडे। सही है। अच्छा, यह नंबर 1 का क्या मतलब होता है? यह 1 का क्या मतलब होता है? आज से 1 साल बाद, यह नंबर 1 का मतलब होता है आज से 1 साल बाद। ठीक है, यह नंबर 1 का मतलब होता है आज से 1 साल बाद। आज से 1 साल बाद का क्या मतलब है? जब यहाँ जहाँ पर ये वाला साल खत्म होगा, जहाँ पर पहला साल खत्म होगा, यानी कि ईयर 1 पहले साल का आखिरी दिन भी होता है और दूसरे साल का पहला दिन भी होता है। यह नंबर 1 क्या होता है? यह नंबर 1 पहले साल का आखिरी दिन होता है और दूसरे वाले साल का पहला दिन होता है। यह नंबर 1 का मतलब होता है पहले साल का आखिरी दिन और दूसरे वाले साल का पहला दिन। सही है। जहां पर पहला साल खत्म होगा वहां पर दूसरा साल शुरू होगा। अच्छा, लेट से मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सवाल दिया हुआ है, मिस्टर ए टुक आउट अ लोन टुडे, द लोन इज टू बी रीपेड इन 3 एनुअल रीपेमेंट्स ऑफ रुपीज 500 ईच। रीपेमेंट्स इंक्लूड ओरिजिनल लोन एंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन इफ इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मिस्टर ए टुक आउट अ लोन टुडे। मिस्टर ए ने आज जो है ना वो किसी से एक लोन लिया एंड इज टू बी रीपेड, और इस लोन को रीपे करना है। अच्छा, मैं इस फाइल को जरा सेव कर लूँ। चलिए, मिस्टर ए जो है ना उसने कुछ लोन लिया, लोन जो है वो 3 इक्वल एनुअल किस्तों में पे होगा, एक किस्त 500 रुपए की होगी,
रीपेमेंट्स में ओरिजिनल लोन और इंटरेस्ट दोनों शामिल है। लोन की अमाउंट दुनिया अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% पर एनम है। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर रीपेमेंट्स लिखूँ यानी कि ये बंदा लोन की रीपेमेंट्स कब कर रहा है, तो लिखा हुआ है कि मिस्टर ए ने आज एक लोन लिया। लोन जो है वो 3 एनुअल रीपेमेंट्स में 3 किस्तों में पे होगा। एक किस्त 500 रुपये की होगी। साथ में मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन कर देता हूँ, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने पहली बार लोन चुकाने के लिए जो किस्त रीपे करी होगी वो पहले साल के आखिर में करी होगी, है ना, पहले साल के आखिर में करी होगी, यानी कि यहाँ पर 500 रुपये। उसके बाद उसने दूसरी बार जो किस्त रीपे करी होगी वो यहाँ पर करी होगी, और तीसरी बार जो किस्त रीपे करी होगी वो यहाँ पर करी होगी। ये बात समझ में आती है, इसमें कोई मसला? मिस्टर ए ने एक लोन लिया। लोन कब लिया? लोन आज लिया। लोन कितने का लिया ये हमें नहीं मालूम। उस लोन को वापस करने के लिए 3 किस्तों में वो लोन वापस करा गया, पहले, दूसरे और तीसरे साल के आखिर में, और 500 रुपये की एक किस्त थी। तो हमने यहाँ पर इस डायग्राम पर रीपेमेंट्स की वैल्यू लिख ली। ठीक है जी, कोई मसला? ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे लोन की अमाउंट ढूंढनी है। मैंने आप लोगों को एक रूल बता दिया, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। अब कितनी रीपेमेंट्स है? सर, एक रीपेमेंट 500 की ईयर वन पर है, एक रीपेमेंट 500 की ईयर नंबर टू पर है, एक रीपेमेंट 500 की ईयर नंबर थ्री पर है। तो 3 रीपेमेंट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि इनको डिस्काउंट कर कर ईयर जीरो पे लेकर आओ, डिस्काउंट कर कर ईयर नंबर जीरो पे लेकर आओ, डिस्काउंट कर कर ईयर नंबर जीरो पे लेकर आओ। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस i पावर n, यही पढ़ा था। पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस i पावर n, पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस i पावर n, ये हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है जी। तो अगर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस i पावर n, अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलते हैं, तो ईयर नंबर वन वाले जो 500 रुपये हैं, जो ईयर नंबर वन वाले 500 रुपये हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसकी मुझे कितने सालों की डिस्काउंटिंग करनी होगी? एक साल की डिस्काउंटिंग करनी होगी। तो मैं लिखूंगा 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर पावर वन, है ना। ईयर नंबर वन वाले जो 500 रुपये हैं उसको अगर 1 से 0 पे लेकर आना है तो एक साल की डिस्काउंटिंग करनी होगी। एक साल की डिस्काउंटिंग के लिए डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई कराओ, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। बताएं जी। बताएं जी क्या आएगा? 500 डिवाइडेड बाई और ब्रैकेट में 1 प्लस 10% पावर वन। बताएं जी क्या बनेगा? चलें 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 चलें, जल्दी 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 जल्दी। 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर वन। बता भी दें, चलिए 454.5455। अच्छा, अब जो 500 रुपये ये नंबर टू पर है, जो 500 रुपये ये नंबर टू पर है, उसकी कितने साल की? 2 सालों की डिस्काउंटिंग होगी, क्योंकि उसको हम 2 साल पीछे लेकर आएंगे।
तो 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2, 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2, ठीक है जी, 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2। चलिए जी, अब इसको कैलकुलेट करें, 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2, जो ये नंबर 2 वाली अमाउंट है उसको भी हम जीरो पे लेकर आ रहे हैं, और ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो ये बन रहा है 413.2231। इसके बाद फिर हमारे पास 500 रुपये ये नंबर 3 पर है, उसकी 3 सालों की डिस्काउंटिंग होगी, तो 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3, 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 करते हैं, तो ये कितना आता है, ये आपके पास आ रहा है 375.6544। अब अगर आपने लोन की अमाउंट मालूम करनी है ना कि इस बंदे ने कितना लोन लिया था, तो आप इन तीनों को ऐड कर दें, आप इन तीनों को ऐड करें, कितना बनता है, 1243.426 बन रहा। देखें, आपने सीधा सीधा ये रूल याद रखना है कि लोन की अमाउंट क्या होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, और लिहाजा हमारी जो लोन की अमाउंट होगी ना, हमारी जो लोन की अमाउंट होगी, यानी कि इस बंदे ने जो लोन लिया होगा वो 1243.43 का लिया होगा, 1243.43 का इसने लोन लिया होगा, ठीक है जी। कैसे निकाला, हमें रीपेमेंट्स दी हुई थी, हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास लोन की अमाउंट आ गई। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हम करते हैं, वो ये है कि हम मूवमेंट बनाते हैं ऑफ लोन। अच्छा सर, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि आखिर इस बंदे ने जो लोन लिया उसको कैसे अदा करा, कितना उसमें इंटरेस्ट था, इस तरह की कुछ रेलेवेंट डिस्कशंस करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है ना। अब देखिए, मैं एक आपको यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, फिर लिखता हूँ इंटरेस्ट, फिर लिखता हूँ रीपेमेंट, और फिर लिखता हूं क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। देखिए, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचें, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचें। देखिए ना, आपने जो है ना 1243.43 का लोन लिया, किसी जगह से आपने 1243.43 का लोन लिया, कब, आज, सुन रहे हैं ना सब, आपने आज के दिन 1243.43 का एक जगह से लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट है, आप पहली बार कुछ अमाउंट लौटाने पहले साल के आखिर में जा रहे हो, आप पहली बार कुछ अमाउंट लौटाने के लिए पहले साल के आखिर में जा रहे हो, तो पहले साल का इंटरेस्ट तो लगेगा ना, जब आप कहीं से उधार लेते हो और एक साल बाद कुछ रकम वापस करने जाते हो, एक साल बाद कुछ रकम वापस करने जाते हो, तो उस एक साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1243.43 का 10%, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट का रेट है पर एनम साल का, तो 1243.43 का आपने लोन लिया था, 1243.43 के लोन पर 10% का इंटरेस्ट, 1243.43 के लोन पर 10% का इंटरेस्ट बन जाता है 124.34। यहां पर पहला साल जब खत्म हुआ तो आपने 500 रुपये वापस कर दिए, ठीक है जी, वापस से ईयर जीरो पर 1243.43 का लोन लिया, ईयर जीरो से ईयर वन के बीच का 10% के हिसाब से 124.34 का इंटरेस्ट बनता है, आप गए और आपने 500 रुपये लौटा दिए, वापस कर दिए, बोला ये लो 500 रुपये। अब जब आपने 500 रुपये लौटाए ना, तो उसमें से तकरीबन 124 रुपये तो आपने इंटरेस्ट के वापस करे, और तकरीबन 375 रुपये जो है वो आपने लोन की अमाउंट रीपे करी, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बच गया, यानी कि साल के एंड में कितना लोन बच गया, 867.77। क्या ये बात समझ में आती है?
देखिए 1243.43 का लोन लिया था, उस पर 10% का इंटरेस्ट अगर लगता है तो इसका 10% ले लिया। पहला साल खत्म हुआ, 500 रुपये मैंने वापस कर दिए। जब 500 रुपये वापस कर दिए गए तो अब 867.77 रुपीज जो है वो क्लोजिंग बैलेंस रह गया। अगला साल शुरू हुआ, अगला साल शुरू हुआ। अच्छा ये सर क्लोजिंग बैलेंस कब का है, ये क्लोजिंग बैलेंस कब का है? यह नंबर वन का, यह नंबर वन के आखिरी दिन, पहले साल के आखिरी दिन जब आपने 500 रुपये वापस कर दिए तो बैंक ने बोला अभी भी आपने हमें 867.77 रुपीज देने हैं। मैंने बोला मैं मजीद एक साल बाद आऊंगा, मैंने बोला मैं मजीद एक साल बाद आऊंगा। तो बैंक ने बोला साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से अब आप ये भी दोगे और इस पर 10% का इंटरेस्ट भी दोगे। मैंने साल के आखिर में बैंक को दोबारा 500 रुपये दिए तो बैंक ने वापस से मुझे ये कहा कि अभी भी 454.55 बच गए हैं, ये नंबर टू की बात है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और फिर क्या हुआ, तीसरे साल के शुरू में इतना मुझे लोन वापस करना था, तीसरे साल का इस पर 10% का इंटरेस्ट लगा और मैंने जाकर जो है वो 500 रुपये वापस करे तो बैंक ने बोला कि भाई अब आपने सारा लोन चुका दिया है। ठीक है जी, इस चार्ट को जरा समझें। आपने 1243.43 का इंटरेस्ट लिया, पहले साल का 10% का इंटरेस्ट, 500 रुपये आपने लौटा दिए, 867.77 बच गए, अभी ये लौटाने हैं। अगला साल खत्म हुआ तो बैंक ने बोला अब 867.77 तो देने हैं और 86.78 का इंटरेस्ट भी देना है। आपने 500 रुपये वापस करे तो बैंक ने बोला अभी भी 454.55 बाकी रह गए। फिर उससे अगला साल जो है वो खत्म हुआ, तब मैं वापस गया तो बैंक ने बोला अब 454.55 पर 10% का 45.45 इंटरेस्ट बनता है, वो भी दो। और आपने 500 रुपये देकर अपना हिसाब क्लियर कर दिया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, तीनों सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, तीनों सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, तो आप ये कहोगे कि मैंने पहले साल 124.34 का इंटरेस्ट पे किया, दूसरे साल मैंने 86.78 का इंटरेस्ट पे किया और तीसरे साल मैंने 45.45 का इंटरेस्ट पे करा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि तीनों सालों का जमा कर कर मिला कर टोटल कर कर इकट्ठा कर कर टोटल एडिशन कर कर जो टोटल इंटरेस्ट पे करा गया है वो कितना करा है, तो वो 124.34, 86.78 और 45.45 इन तीनों का एडिशन है। 124.34, 86.78, 45.45 इन तीनों का एडिशन है। अगर मैं 124.34 को, 86.78 को और 45.45 को ऐड कर देता हूं तो तीनों सालों का इंटरेस्ट बन जाता है, तीनों सालों का टोटल इंटरेस्ट मैंने 256.57 पे करा होगा। ठीक है जी, एक और तरीका भी इंटरेस्ट ढूंढने का है, इंटरेस्ट ढूंढने का एक और तरीका भी है। या तो इस तरह से इंटरेस्ट ढूंढ लो, ये भी सही है। दूसरा तरीका इंटरेस्ट ढूंढने का क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ रीपेमेंट्स माइनस लोन। अच्छा टोटल ऑफ रीपेमेंट्स का क्या मतलब है, टोटल ऑफ रीपेमेंट्स का मतलब यह है कि तुम 500 रुपए वाली तीन किस्तें पे कर रहे हो और तुमने लोन कितना दिया था, 1243.43। तो तुम अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे, इन दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो भी तुम्हारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, यानी कि आपने जो तीन किस्तें 500-500 रुपए वाली पे करी है उसमें से अगर मैं लोन वाला अमाउंट हटा दूं, लोन वाला अमाउंट माइनस कर दूं, तो फिर भी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आ जाता है। क्लियर है भैया? कोई मसला?
ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ढूंढने के लिए ये तरीका भी हो सकता है, यानी कि हमने एक और चीज भी आज जो पढ़ी वो ये है कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ रीपेमेंट्स माइनस लोन। भाई क्लियर है सबको? मुझे कंफर्म कर दें तो फिर मैं आगे पढ़ाऊं। कॉपी आप बाद में कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ठीक है जी। तो ये जाहिर सी बात है, आप जब रिवाइज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये हमने कुछ चीज़ें अभी पढ़ ली कि भाई लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है, और उससे रेलेवेंट सारी क्या क्या बातें हो सकती हैं वो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कर कर दिखा दी, कर दी। सही है जी। अच्छा अब ये तो पहला केस हो गया, कोई बच्चा इसकी पिक्चर लेकर ग्रुप पर भेज दे। चलिए जी, पिक्चर लेके भेज दी ग्रुप पर, आगे चलूँ? चलो भाई, तो यहाँ तक आई होप कि आप सबने कॉपी कर लिया है। ये हमारे पास जो पहली चीज़ थी वो हो गई, ठीक है, जो हमें पढ़नी थी, और इसको आप रिवाइज करेंगे। अब दूसरी चीज़ है कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अब कैश प्राइस क्या होती है? मान लो कि आपने एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आप एक शोरूम गए, शोरूम वाले ने बोला भाई इस गाड़ी की कैश प्राइस जो है ना, इस गाड़ी की जो कैश प्राइस है ना वो 7 लाख रुपए है। ठीक है, आपको एक गाड़ी खरीदनी थी, आप एक शोरूम गए, शोरूम वाले ने बोला कि भाई इस गाड़ी की जो कैश प्राइस है ना, इस गाड़ी की जो कैश प्राइस है वो 7 लाख रुपए है। अच्छा, अगर वाले सवाल हमें नहीं करने ना, है ना अरसलान, अगर वाले सवाल तो अभी करने नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था। ये गाड़ी की कैश प्राइस 7 लाख रुपए है, इसका मतलब ये होता है कि आज पैसे दो एंड कार ले जाओ। तो जब आप गाड़ी खरीदते हो, जब आप गाड़ी खरीदते हो, जब आप कोई नॉन करेंट एसेट खरीदते हो, तो मेथड नंबर वन ये होता है कि आप उसको कैश पे खरीद लो। ठीक है जी, कैश पे खरीदने का मतलब यह है कि मैंने आज 7 लाख रुपए दिए और वो गाड़ी मुझे मिल गई। दूसरा तरीका ये होता है कि इंस्टॉलमेंट्स पर ले लो। ठीक है, मैं सेम गाड़ी वाले के पास गया, मैं सेम गाड़ी वाले के पास गया, मैंने बोला कि भाई मुझे, मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, लेकिन ये गाड़ी मुझे किस्तों पर चाहिए। तो उसने बोला कि एक काम करो कि इसकी कैश प्राइस जो है ना, इस गाड़ी की जो कैश प्राइस है वो 7 लाख रुपए है, इस गाड़ी की कैश प्राइस जो है ना वो 7 लाख रुपए है, आप 7 लाख रुपए में से लेट से 4 लाख रुपए आज पे कर दो डाउन पेमेंट।
आप 7 लाख रुपए में से 4 लाख आज पे कर दो, आप 7 लाख रुपए में से 4 लाख आज पे कर दो, बाकी जो अमाउंट बच जाएगा ना उसकी मैं करवा देता हूँ किस्तें, ठीक है। देखो मैं गाड़ी खरीदने गया, एक तो ऑप्शन ये था मैं 7 लाख रुपए आज दूँ, एक ऑप्शन ये था कि मैं 7 लाख रुपए आज दूँ, एक ऑप्शन ये था कि मैं 7 लाख रुपए आज दूँ और वो गाड़ी मेरे नाम हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि उसने बोला कि 7 लाख में से 4 लाख रुपए आज दे दो, 7 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आज दे दो, बचे हुए 3 लाख जो है ना उसकी मैं किस्तें कर देता हूँ, उसकी मैं इंस्टॉलमेंट्स कर देता हूँ, ये लोन तुम बाद में रीपे कर देना। समझ में आई बात? एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि आज ही 7 लाख रुपए दे दूं, गाड़ी मेरी हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि 7 लाख में से एक अमाउंट, यानी कि जैसे कि 4 लाख रुपए मैं आज दे दूं, बचे हुए 3 लाख रुपए लोन ले रह गए वो मैं बाद में दे दूं। टर्म्स डिसाइड ये हुआ कि द लोन विल बी रीपेड इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो यह नंबर 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। मुझे बताएं गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी, गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी, गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी। अच्छा अरसलान मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप सवाल नहीं पूछो, जो चल रहा है उससे रेलेवेंट सवाल पूछ रहे हो, अगर मगर वाले सवाल नहीं पूछो। गाड़ी की कैश प्राइस थी 7 लाख, 7 लाख में से आज नकद इसी वक्त कितने पे कर दिए, 7 लाख में से कितने रुपए ऐसे हैं जो आज ही अभी के अभी पे कर दिए, डाउन पेमेंट कितनी कर दी बताओ, 4 लाख। तो बच कितने गए, बच कितने गए, बच कितने गए, बच कितने गए, 3 लाख, ठीक है। ये सारा तमाशा कब हुआ, ये सारा तमाशा ये नंबर 0 पर हुआ। अब मुझे बताओ पहले साल के आखिर और दूसरे साल के आखिर में कितनी कितने रुपए की किस्त पे होगी, पहले साल के आखिर में और दूसरे साल के आखिर में कितने कितने रुपए की किस्त पे हो रही होगी। अगर ये डिसाइड हुआ है कि मैं जो लोन का अमाउंट है वो दो इक्वल किस्तों में पे करूंगा, अगर ये डिसाइड हुआ है कि मैं लोन का अमाउंट दो इक्वल किस्तों में पे करूंगा, क्या 1.5 लाख की किस्तें होंगी, यही गलती है। ये गलती कभी भी नहीं करना। देखो जब कोई किस्तें करता है, जब तो कोई किस्तें करता है तो वो उसमें फिर इंटरेस्ट भी लेता है। मिसाल के तौर पर इस बंदे ने मुझे ये कहा कि मैं 3 लाख की दो किस्तें कर दूंगा लेकिन लाख रुपए इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन लाख रुपए इंटरेस्ट लूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो वो ईयर वन और ईयर टू पर मुझसे कितने कितने पैसे लेगा, वो ईयर नंबर वन और ईयर नंबर टू पर मुझसे 1.5 1.5 लाख नहीं लेगा बल्कि 2 लाख और 2 लाख लेगा, ठीक है। देखो जब वो मुझे एक फायदा दे रहा है कि तुम आसानी से बाद में लेटर ऑन कुछ टाइम बाद पैसे पे कर देना, तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। बात समझ में आ रही है? तो उसने ये बोला कि अब मैं तुम्हें 3 लाख की दो किस्तें तो कर देता हूं लेकिन जब मैं दो किस्तें करूंगा तो मैं तुमसे 1.5 1.5 लाख रुपए नहीं लूंगा, 2 2 लाख रुपए लूंगा, मैं 1.5 1.5 लाख रुपए नहीं लूंगा, मैं 2 2 लाख रुपए लूंगा, यानी कि 3 लाख में 1 लाख का इंटरेस्ट ऐड करूंगा और फिर उसको 2 से डिवाइड करूंगा। बात समझ में आई? अच्छा अब मुझे बताओ अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूं, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूं, यानी कि मेथड नंबर 2, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा हूं तो मेथड नंबर 2 के हिसाब से, मेथड नंबर 2 के हिसाब से मैं टोटल पेमेंट्स कितनी कर रहा हूं,
अच्छा अरसलान, जब हम फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ते हैं या आगे भी जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो डेट्स नहीं लिखी जाती, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 ही लिखा जाता है। हाँ, मैं टोटल पेमेंट्स कर रहा हूँ 8 लाख की। एक तो मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, एक तो मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ कितने की, 4 लाख, ठीक है जी। और फिर मैं रीपेमेंट्स कर रहा हूँ कितनी, 2 लाख वाली दो, 2 लाख वाली दो। इसका मतलब मैं जो टोटल अमाउंट पे कर रहा हूँ, जो मैं टोटल पेमेंट्स कर रहा हूँ जब मैं किस्तों पर गाड़ी ले रहा हूँ, तो वो 8 लाख रुपए, ठीक है जी। कैश पे ले रहा था तो कितने पे कर रहा था, कैश पे ले रहा था तो कितने पैसे पे कर रहा था, कैश पर अगर यही गाड़ी खरीद रहा था तो कितने पैसे पे कर रहा था, 7 लाख। किस्तों पे ले रहा हूँ तो 8 लाख पे कर रहा हूँ, किस्तों पे ले रहा हूँ तो कितने पे कर रहा हूँ, 8 लाख पे कर रहा हूँ। किस्तों पर 8 लाख क्यों पे कर रहा हूँ, किस्तों पर 8 लाख क्यों पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप किस्तें करवाते हो तो फिर सेम अमाउंट जो है वो पे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप इस बात का फायदा ले रहे होते हो कि मैं कुछ टाइम बाद पैसे दूंगा, तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे लिखता हूँ। मिस्टर ए बॉट अ कार ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान, द एग्रीड टर्म्स वर एज फॉलोज, डाउन पेमेंट 900,000, टू एनुअल रीपेमेंट्स ऑफ 100,000 ईच एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फाइंड कैश प्राइस ऑफ द कार एंड टोटल इंटरेस्ट बीइंग टोटल इंटरेस्ट पेड, ठीक है जी। देखिए लिखा हुआ क्या है कि मिस्टर ए कोई बंदा है, मिस्टर ए ने गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी उसने इंस्टॉलमेंट पर खरीदी, किस्तों पर खरीदी, किस्तों पर खरीदी, किस्तों पर खरीदी, कैश देकर नहीं खरीदी, कैश देकर नहीं खरीदी, किस्तों पर खरीदी। द टर्म्स वेर एज फॉलोज, और ये टर्म्स थी, क्या टर्म्स थी, डाउन पेमेंट 9 लाख रुपए। डाउन पेमेंट क्या होता है, जो अमाउंट आज अभी के अभी दी जाए। टू एनुअल रीपेमेंट्स ऑफ ₹100,000 ईच एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2, और दो किस्तें पे होंगी, दो किस्तें पे होंगी 1-1 लाख रुपए की, पहले साल के और दूसरे साल के आखिर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% का इंटरेस्ट का रेट है। फाइंड कैश प्राइस ऑफ द कार एंड टोटल इंटरेस्ट पेड, गाड़ी की कैश प्राइस और टोटल दिया गया इंटरेस्ट बताओ। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ईयर नंबर 1, क्या ईयर नंबर 0 है, 1 है और 2 है, क्या ईयर नंबर 0 पर, क्या ईयर नंबर 0 पर, क्या आज अभी ये बंदा गाड़ी खरीद रहा है तो कोई पैसे दे रहा है। जी हाँ सर, जब हम डाउन पेमेंट की बात करते हैं ना, जब हम डाउन पेमेंट की बात करते हैं, तो डाउन पेमेंट वो अमाउंट होता है जो मुझे आज ही देना होता है। मैं गाड़ी किस्तों पर ले रहा होता हूँ, फिर भी एक हिस्सा, एक अमाउंट जो मैं आज पे कर रहा होता हूँ, उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो मैं डाउन पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, 9 लाख रुपए, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद रीपेमेंट्स हो रही है। उसके बाद डाउन पेमेंट के बाद अगले आने वाले सालों में क्या कर रहा हूँ, रीपेमेंट्स कर रहा हूँ। कितनी कितनी रीपेमेंट कर रहा हूँ, पहले साल के आखिर में 1 लाख रुपए की रीपेमेंट, दूसरे साल के आखिर में दोबारा से 1 लाख रुपए की रीपेमेंट, पहले साल के आखिर में 1 लाख रुपए की रीपेमेंट,
और दूसरे साल के आखिर में दोबारा से 1 लाख रुपए की रीपेमेंट। ठीक है जी, देखें मिस्टर ए ने एक गाड़ी खरीदी, मिस्टर ए ने जो गाड़ी खरीदी उसके लिए 9 लाख रुपए उसने आज ही दे दिए, आज ही पे कर दिए, और साथ में वो 1 लाख और 1 लाख रुपए पहले साल के और दूसरे साल के आखिर आखिर में पे कर रहा है। तो उसने टोटल जो पेमेंट करी वो तो 11 लाख रुपए करी, लेकिन उसने 9 लाख रुपए आज पे करे, 1 लाख रुपए आज से 1 साल बाद, और 2 लाख रुपए आज से 2 साल बाद रीपे करे। 10% का इंटरेस्ट का रेट है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस गाड़ी की कैश प्राइस बताओ और इंटरेस्ट जो पे किया होगा वो बताओ। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, और लोन की अमाउंट मालूम कर लेते हैं। लोन किसके बराबर है? लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो जितनी भी मैं रीपेमेंट्स कर रहा हूं मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। 1 लाख रुपए में रीपे कर रहा हूं पहले साल के आखिर में, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, ये कितना आएगा? 1 लाख रुपए जो मैं पहले साल के आखिर में पे कर रहा हूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए जो मैं पहले साल के आखिर में पे कर रहा हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9,090,909 है। और फिर 1 लाख रुपए, फिर मजीद 1 लाख रुपए, फिर मजीद 1 लाख रुपए मैं कब पे कर रहा हूँ? आज से 2 साल बाद। मजीद 1 लाख रुपए कब पे कर रहा हूँ? आज से 2 साल बाद। तो अगर मैं उसकी भी आज की वैल्यू निकालूं, अगर मैं उसकी भी आज की वैल्यू निकालूं, तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। तो लोन की अमाउंट कितनी आएगी? लोन की अमाउंट इन दोनों का एडिशन होगा, यानी कि 173,553.7। बात समझ में आई? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट के बराबर होती है। यह नंबर वन पर जो आप अमाउंट पे कर रहे थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और यह नंबर टू पर जो अमाउंट पे कर रहे थे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो हमारे पास लोन की अमाउंट आ गई, यानी कि हमने जो लोन लिया होगा ना वो 173,553.7 का लिया होगा। ठीक है, तो अब हमें कैश प्राइस मालूम करनी है। कैश प्राइस किसके बराबर होती है? कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। डाउन पेमेंट कितनी है? 9 लाख। और जो हमारे पास लोन है, जो हमारे पास लोन है वो कितना है? 173,553.7। तो अगर मैं ये गाड़ी कैश पर खरीदता तो मुझे कितने की मिलती? 9 लाख प्लस 173,553.7 कितने की मिलती? 1,073,553.7। क्या ये बात समझ में आती है? कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। ये हमने आज की क्लास में शुरू में पढ़ा कि गाड़ी की जो कैश प्राइस होगी वो कैसे आएगी, डाउन पेमेंट को और लोन को आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगी। लिहाजा डाउन पेमेंट हमारी 9 लाख थी, और लोन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, तो उसको हमने कैलकुलेट किया तो वो अमाउंट भी हमारे पास आ गई। अच्छा, इंटरेस्ट कितना पे हुआ? देखिए, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर खरीदता हूँ, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर खरीदता हूँ, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर खरीदता हूँ तो टोटल अमाउंट में क्या पे कर रहा हूँ? 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे कर रहा हूँ और 1-1 लाख रुपए वाली 2 किस्तें पे कर रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी किस्तों पर खरीद रहा हूँ तो मैं टोटल अमाउंट कितनी पे कर रहा हूँ? मैं 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे कर रहा हूँ और 1-1 लाख रुपए वाली 2 किस्तें पे कर रहा हूँ, यानी कि मैं 11 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। क्योंकि मैं गाड़ी किस्तों पर खरीद रहा हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी किस्तों पर खरीद रहा हूँ तो मैं 11 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं गाड़ी किस्तों पर नहीं लेता, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर नहीं लेता और मैं क्या करता, मैं इसको कैश प्राइस पर खरीदता तो कितने की पड़ती? मैं अगर कैश प्राइस पर लेता तो 1,073,553.7 की पड़ती। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो इंटरेस्ट होता। तो आपका इंटरेस्ट कितना आया?
आपका इंटरेस्ट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप जो किस्तों पर चीज खरीद रहे हो उसके लिए जो पैसे पे कर रहे हो और जो कैश प्राइस पर पैसे पे कर रहे होते, इन दोनों का अगर कभी भी किसी भी सवाल में डिफरेंस लोगे तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? अभी रुक जाओ, अभी इस पे और भी चीजें मुझे लिखनी है ना। सही है। अच्छा, पहले इसकी इस इधर ऊपर वाले हिस्से का इस पिक्चर ले लो, फिर मैं जरा नीचे कुछ बातें ऐड करूंगा, फिर पिक्चर लेना और फिर आज ही रिवाइज करना। अब ये टॉपिक आहिस्ता 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 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको वाइंड अप कर आज आगे नहीं बढ़ाऊंगा ताकि यहाँ तक की चीज़ें जो है ना वो आपके साथ पक्की हो जाएं आप लोगों की। चलिए जी, करूँ स्क्रॉल डाउन? अच्छा, अब एक और चीज़, एक और चीज़ मुझे बताओ, लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। आप रीपेमेंट्स देखो, रीपेमेंट्स कितनी कर रहे हो? रीपेमेंट्स कितनी कर रहे हो? सर हम 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए 2 बार रीपे कर रहे हैं, 2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपया, 1 लाख और 1 लाख हम 2 बार रीपे कर रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए पूरे के पूरे पे कर रहे हैं, है ना? ठीक है ना? आप क्या करो, आप क्या करो, आप लोन और इसका डिफरेंस ले लो। लोन कितना, इन दोनों का डिफरेंस लो तो भी इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है कि जिसमें आप क्या करो, आप ये देख लो कि आपने जो रीपेमेंट्स करी और जो आपका लोन था उसका क्या डिफरेंस है, तो भी इंटरेस्ट आ जाएगा। या अगर आप ये देखोगे कि मैं गाड़ी अगर किस्तों पे ले रहा हूँ तो टोटल अमाउंट कितने पे कर रहा हूँ, और अगर कैश पे लेता तो टोटल अमाउंट कितनी पे करता, इनका डिफरेंस भी इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सही है जी, कोई मसला? अच्छा जी, एक और चीज, मूवमेंट बनाते हैं। गाड़ी कितने की थी बताओ जल्दी से, गाड़ी कितने की थी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी, गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी, गाड़ी की कैश प्राइस कितनी थी? मैं दुकान पर गया, मैं दुकान पर गया, मैंने बोला गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी वाले ने बोला 1073554 की गाड़ी है, 1073544 दे दो, गाड़ी ले जाओ। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो उसने बोला ठीक है, तो तुम इसमें से 9 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दो। मैंने बोला 9 लाख रुपए हैं, 9 लाख रुपए हैं। उसने बोला तुम एक काम करो, इन टोटल में से 9 लाख रुपए दे दो। ठीक है, इन टोटल में से कितने दे दो, 9 लाख रुपए दे दो। मैंने 9 लाख रुपए उसको दे दिए, बच कितने गए, 1073554। ये क्या है, लोन है। ठीक है, ये लोन है, बात समझ रहे हो? गाड़ी की कैश प्राइस इतनी थी, इतने मैंने उसी वक्त पे कर दिए जब मैं किस्तों पे चीज देता हूं, और उसी वक्त अगर कोई अमाउंट पे कर दूं उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, इतना बच गया लोन। फिर मैंने बोला 1 साल बाद पहली किस्त दूंगा, 1 साल बाद पहली किस्त दूंगा तो लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा ऊपर वाली अमाउंट का, 10%। ठीक है जी, समझ रहे हैं चीजें? ये कैश प्राइस थी, इतने उसी वक्त पे कर दिए, इतने बच गए, ये लोन का अमाउंट हो गया, इस पे लग गया ये वाला इंटरेस्ट। जब ये इंटरेस्ट लगा तो अब टोटल अमाउंट क्या आप पे करना है मुझे, अब टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना है वो इन दोनों का एडिशन है। मैंने रीपेमेंट कर दी, मैंने रीपेमेंट कितनी करी, पहली रीपेमेंट 1 लाख रुपए की कर दी, जब मैंने 1 लाख रुपए रीपे कर दिए, जब मैंने 1 लाख रुपए रीपे कर दिए तो अभी भी 9090 9 अभी भी पे करने थे।
फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, ईयर वन और ईयर टू के बीच का इंटरेस्ट लगा, ईयर वन और ईयर टू के बीच का इंटरेस्ट इसका 10% था, और फिर मैंने वापस से जो टोटल अमाउंट बन गई उसको दूसरी बार रीपे किया, तो ये टोटल अमाउंट बनती ही 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए रीपे करती है, तो अब क्या बच गया भाई? जीरो। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ, गाड़ी वाले के पास गया, इतने की थी गाड़ी, गाड़ी वाले के पास गया, 1073554 की गाड़ी थी, मैंने बोला इतने पैसे नहीं है मुझे किस्तों पे दो, उसने बोला 9 लाख रुपए अभी दे दो, मैंने 9 लाख रुपए दे दिए, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो लोन का अमाउंट होता है, 1073554 का लोन बच गया। फिर मैं उसने मुझे बोला पहले साल के आखिर में 1 लाख रुपए दे देना, तो पहले साल का 10% के हिसाब से, पहले साल का 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से ये इंटरेस्ट बनता है 1073554 का 10%, इतना टोटल अमाउंट था। पहले साल के आखिर में मैं 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, उसने बोला अभी भी 90909 बच गए, इसमें से इसको माइनस करा तो 90909 बच गए। फिर उसने दूसरे साल का इंटरेस्ट लगाया, बोला जो बकाया अमाउंट थी उसका 10% इंटरेस्ट, अब इतना बन गया, मैंने इतना दे दिया, गाड़ी मेरी हो गई और बैलेंस जीरो है, यानी कि अब मुझे उसे और मजीद कोई भी पैसे नहीं दे रहे। इससे भी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, इधर जो हमने ये काम किया है इससे भी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, पहले साल का 1735 आ रहा है और दूसरे साल का इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 90904 आ रहा है। ऐड करो दोनों को, 1735 और 90904 दोनों ऐड करते हैं तो ये भी 264425, 264425.94 आ रहा है। राउंडिंग ऑफ की वजह से, राउंडिंग ऑफ की वजह से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब जो आज हमने चीज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल में आज आप लोगों की जो क्लास में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी, इससे मुझे मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसको फौरन से दोबारा से देख करना और रीकैप रिवाइज करना होगा। ठीक है, आप लोगों को फौरन से ये चीज़ें वापस से देखकर फौरन उसी वक्त रिवाइज या रीकैप करनी होंगी जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। अब इसकी ज़रा पिक्चर लेकर ग्रुप पर भी काइंडली भेज दो।